गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर वेल एट होम टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट इज़ चैप्टर नंबर टू द नेम ऑफ़ द चैप्टर इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स गाइज लास्ट क्लास में हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था मैंने आपको नाउन्स के नाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स एक्सप्लेन करे थे आज हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट है काउंटेबल नाउन् नाउन दैट नेम थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड आर कोल्ड काउंटेबल और काउंट नाउन्स वो नाउन्स वो संख्याएँ जो उन चीज़ों का नाम बताती है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं ठीक है ठीके? जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं ठीक है अनकाउंटेबल नाउन नाउन्स दैट नेम थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कोल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स और नॉन काउंट नाउन्स वो संख्याएँ वो चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते गिन नहीं सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन या नॉन काउंट नाउन कहते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन अब जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट है रिवर ठीक है रिवर का हम काउंट कर सकते हैं रिवर्स ठीक है बंच बंचेस क्लास क्लासेस मैंगो मैंगोज इन सब नेम्स को अगर हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो भी हम इन्हें काउंट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं लाइक गोल्ड शुगर राइस वाटर ऑयल फर्नीचर हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं. क्या गोल्ड को काउंट किया जा सकता है ठीक है उनको मेज़र कर सकते हैं ठीक है शुगर है वन किलो शुगर टू किलो शुगर पर हम उसको काउंट नहीं कर सकते शुगर को ठीक है इनका मेजरमेंट किया जा सकता है पर इनको काउंट नहीं किया जा सकता है ओके सो दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउंस ठीक है मोस्ट कॉमन एंड कलेक्टिव नाउंस हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड कैन बी काउंटेड ज़्यादातर कॉमन नाउंस और कलेक्टिव नाउंस क्योंकि उनके प्लूरल फॉर्म बनाई जा सकती है तो हम उनको काउंट कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है जैसे गर्ल उसके बाद इसको हमने काउंट में कॉमन नाउन है गर्ल गर्ल का हम प्लूरल फॉर्म बना दें गर्ल्स तो हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी लड़कियाँ हैं ठीक है कलेक्टिव नाउन जैसे टीम टीम का हमने प्लूरल फॉर्म बना दिया तो ये हो गया टीम्स ठीक है तो हम इनको काउंट कर सकते हैं तो ये हो गया मोस्ट कॉमन और कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म उनकी बनाई जा सकती है और उनको काउंट किया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट है एबस्ट्रिक्ट नाउंस आर और वर्ड्स आर मोस्टली अनकाउंटेबल नाउंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं मैंने आपको बताया था वो नाउन जिनको हम टच नहीं कर सकते केवल फ़ील कर सकते हैं ठीक है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जैसे ब्रेवरी काइंडनेस ऑनर यानी किसी कोई बहादुर है कि दयालुता या सम्मान देना तो इनको हम कभी टच नहीं कर सकते ओनली फील कर सकते हैं ठीक है तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं क्योंकि इनको हम काउंट नहीं कर सकते ठीक है सम नाउंस कैन बी यूज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस कुछ नाउंस रहते हैं ऐसे होते हैं सेंटेंस में इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं कि हम उनको काउंटेबल में भी काउंट करते हैं और अनकाउंटेबल में भी मान सकते हैं जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बताया है एक द चाइल्ड थ्रू स्टोन्स इंटू द वॉटर जो बच्चा है वो पत्थर फेंकता है पानी में तो यहाँ पर स्टोन्स क्या है काउंटेबल नाउन है ठीक है क्योंकि वो हम मान सकते हैं उसने दो चार पाँच पत्थर फेंके हों पानी में तो हम काउंट कर सकते हैं इस चीज को द वॉल वॉज मेड ऑफ स्टोन जो दीवार है वो पत्थर से बनी है पर हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं ठीक है ठीके? हम सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं कि वो पत्थर से बनी है दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन ओके ये है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन नेक्स्ट है Expressions like uh, a few, a lot of, many, one, two, etc. can be used with countable nouns. ये जितने भी words मैंने यहाँ लिखे हैं अभी इनको हम countable nouns यानी जिनको गिन सकते हैं उन nouns के साथ use करते हैं. For example, we have many chairs. हमारे पास बहुत सारी chairs हैं. तो many आ रहा है यहाँ पर हम count कर रहे हैं chairs को count कर सकते हैं तो many हमने लगा दिया. I have a few good books. मेरे पास कुछ अच्छी किताबें हैं ठीक है तो ऑफ यू आ गया क्योंकि हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं एक्सप्रेशंस लाइक सम अ लिटल मच कैन बी यूज विद अनकाउंटेबल नाउंस और सम अ लिटिल और मच जैसे एक्सप्रेशंस को हम अनकाउंटेबल नाउंस के साथ यूज़ कर सकते हैं ठीक है जैसे है हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट आपको कितनी कितना पैसा चाहिए तो हाउ मच लगा दिया मनी को हम काउंट नहीं कर सकते ठीक है रुपीस को कर सकते हैं पैसे को कर सकते हैं ठीक है ठीके? कितना धन आपको चाहिए तो इसके आगे मछ आ गया उसके बाद है प्लीज़ हैव सम जूस प्लीज़ कुछ कृपया कुछ जूस लीजिए ठीक है तो हम सम लगा दिया क्योंकि जूस को काउंट नहीं किया जा सकता ग्लासेस को काउंट किया जा सकता है जूस के ग्लासेस को पर जूस को काउंट नहीं किया जा सकता ओके क्लियर है सबको ओके गाइड आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इसके बाद में आपको डिस्कस करती हूँ इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में ठीक है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूँगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके गिवन टाइम पे पूछ सकते हैं ओके गाइस थैंक यू